देख रहे हैं CN24। हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी अंतिम पावधान पर बैठे हुए व्यक्ति के उत्थान की बात की थी, विकास की बात की थी। जब अंतिम पावधान पर बैठा हुआ व्यक्ति का उत्थान होगा, विकास होगा, तो निश्चित है हिंदुस्तान का विकास और सम्मान। गोला मंडल के दो दिवसीय मंडल प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ समापन। उपनगर गोला स्थित कसौधन मैरिज हॉल में भाजपा गोला मंडल के दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन सोमवार को हुआ। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कार्यपद्धति, सुरक्षा, सामर्थ्य, सोशल मीडिया के उपयोग आदि बिंदुओं पर अपने विचार प्रस्तुत किए। दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में समापन सत्र में पहुंचे सभी वक्ताओं ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी व दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित किया। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष मनोज शुक्ला ने बताया कि भाजपा सरकार विभिन्न जनहित कार्यों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए संकल्पित है। विधानसभा प्रभारी सोशल मीडिया बाल किशन पासवान ने बताया कि अटल सरकार के हारने का मुख्य कारण सरकार के द्वारा किए गए जनहित कार्यों का जनता तक नहीं पहुंचना था, लेकिन आज हम सोशल मीडिया के उपयोग से मोदी सरकार के कार्यों को जनता तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। प्रदेश कार्य समिति सदस्य अशोक कुमार सिंह ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता प्रधान पार्टी है। पार्टी का कार्यकर्ता अपनी मेहनत से बड़े पद को पा सकता है। पूर्व जिला महामंत्री भानु प्रताप सिंह ने भारतीय राजनीति में लोकतंत्र की मजबूती और भाजपा सरकार में मजबूत विदेश नीति तथा राष्ट्रवाद पर प्रकाश डाला। प्रदेश कार्य समिति सदस्य लक्ष्मी शंकर शुक्ल ने कहा, विपक्ष आज योगी सरकार को बदनाम करने के लिए झूठे प्रचार प्रसार करके प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे वक्त में कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि लोगों को झूठे अफवाहों से बचाएं। कार्यक्रम का संचालन कर रहे जिला कोषाध्यक्ष शत्रुघ्न कसौधन ने सभी वक्ताओं को अंग वस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया। मंडल अध्यक्ष देवेश निषाद ने आए सभी वक्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता नित्यानंद मिश्र, किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष अनिल भट्ट, दीपक राय, ब्रजभूषण शरण, रामललित तिवारी, अर्जुन सोनकर, नवनीत राय, नीलेश दुबे, पवन दुबे आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मोहम्मद गोरी 17 बार इस देश पर किया, 17 बार चढ़ाई करने के बाद 17 बार हार गया और उनसे माफी मांगता था, माफी दे देते थे।